नमो अहंकारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्जायारम नमो रोहि सवसावुगम शुद्धात्मान मनिकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्ट अर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं अव्वर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः वक्षे नियमसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंगतम् ओम नमः जो मोह के अभाव किए बिना कषायों का भाव करना चाहता है वह अपने इस प्रयत्न में सफल नहीं होता। प्रथम मोह का अभाव चाहिए। इसी शैली में इस अधिकार की चर्चा करेंगे। प्रथम मोह का प्रायश्चित करना, लेकिन लगती ही नहीं है ये मोह कोई गलती हो। मोह का प्रायश्चित क्या करें? मोह करना कोई गलती है भाई? अपने को अपना मानना, इसमें क्या बात है? यही तो कह रहे हैं, अपने को अपना मानो, मात अपने को ही अपना मानो। जो अपना अपने को अपना मानना अपराध नहीं है, तो जो अपना नहीं है उसे अपना मानना अपराध हुआ कि नहीं हुआ? व्यवहार अलग है, परमार्थ। जैसे धर्म मार्ग के व्यवहार में आने के लिए लोक व्यवहार को गौण करना हुआ, ऐसे ही परमार्थ में आने के लिए इस धर्म मार्ग के व्यवहार को गौण करना पड़ेगा। यह स्वाध्याय में तब बैठ पाएंगे, दर्शन में तब आ पाएंगे, सामायिक में तब बैठ पाएंगे जब थोड़े धंधे व्यापार सीमित हो, संतोष हो, परिणाम शील हो, सदाचार न्याय हो, सारे तब बनेगी बात। जब तक वही हापा धापी में लगा है तब तक यहाँ पहले तो आना कठिन है और आ जाए तो मन नहीं लगना। इसलिए कौन सा वाक्य लिखा श्रीमद रायचंद ने, जिंदगी छोटी है। अब जिंदगी बढ़ाओ, जिंदगी थोड़ी बढ़ेगी, जंजाल घटा लो। आवश्यकता की पूर्ति पुण्य प्रमाण होती है। अनेकों लोग समस्याएं लेकर के आते, लेकिन सच बात यह है समस्याओं का समाधान यही है प्रत्नोत्तरे की साधना। क्या करें, घर में मन नहीं लगता तो हम कह देते हैं घर मन लगने लायक स्थान ही नहीं। ये तो बड़ी शुभ लक्षण है घर में मन नहीं लगता, लेकिन प्रतिकूलताओं के कारण नहीं लगता। अनुकूलता हो तो झट से लगने लगता है, भूल यहां है। और नहीं तो सच बात यह है घर मन लगने लायक स्थान है ही नहीं। जिनका घर में मन लगता है वे रोगी हैं, सच्ची बात है। मिथ्यात्व का रोग है, मोह का रोग है। क्या करें, अब तो व्यापार में मन नहीं लगता, कोई मन लगने लायक काम ही नहीं है, शांति नहीं मिलती। शांति वहां है ही नहीं जो मिले। कोई अग्नि में शीतलता ढूंढना चाहे तो कैसे मिलेगी? विषयों में सुख ढूंढना चाहे, अनुकूलताओं में सुख की कल्पना करके उनको प्राप्त करना चाहे, भोगना चाहे, बनाए रखना चाहे, कैसे मिलेगी? सच्ची बात तो ये है, बाद बाकी तो सब उपचार की बातें हैं, व्यवहार की बातें। बारे भावनाओं में एक लाइन लिखी है ना, कुछ भी कहो व्यवहार में
संयोग है सर्वत्र पर, साथ ही नहीं संसार में। कुछ भी कह लो जी हमारा जी, हमारा जी ठीक है जी, हम चिंता मत करो हम हैं, तुम कहो क्या, अरे हम हैं, लेकिन वास्तव में सचमुच एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, कुछ भी बांटने में समर्थ नहीं है। अगर चाहे तो नहीं बांट सकता, ये पीड़ा मुझे हो जाए नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? तो भाई वो पीड़ा उसके परिणाम का फल है। दो द्रव्यों में अत्यंत भाव की एकदम वज्र दीवार है, पर में सुख की कल्पना करना ये मोह है, पाप है, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। वो जरा चीटी मर गई सुने प्रायश्चित दे दो, एक माला फेर ली होगा, उसको भी संतोष है और करने वाले को होश नहीं है। मूल की खबर नहीं, न मूल तत्व की खबर और न मूल अपराध की खबर। वो पानी छान रहे थे तो जरा फैल गया, अब का प्रायश्चित कर ले, कोई बात नहीं, एक रस छोड़ ले, बस वो भी संतुष्ट हो गया, वो भी संतुष्ट हो गया। भैया ठीक है ये बाल बच्चों की मन बहलाने की बातें हैं, लेकिन बात समझना चाहिए। मोह का प्रायश्चित ब्रह्म गुलाल आपको सबको मालूम है। राजा के दरबार में जब सिंह का स्वांग बना करके पहुंचा तो वहां कुछ अलग नाटक था। एक पशु बंधा था, राजकुमार खड़ा था, क्या तू सिंह है, शिकार सामने खड़ा है, एकदम सोचने लगा ये तो छल हो गया हमारे साथ, अगर और क्रोध अंधा होता है, मान अंधा होता है, मायाचार अंधा होता है, लोभ अंधा होता है, कसाएं सब अंधी होती, विषयांध मदांध मतांध क्रोधांध ये सब अंधे ही सब, योग अयोग का विचार चला जाता है, उत्तेजित हो गया आवेश माया, एक झपट्टा मारा और राजकुमार की प्राण पखेरु खत्म। जिस राजा ने उनके पिता का परिवार बसाया था दोबारा, क्योंकि उनके पिताजी बाहर गए, लौट करके आए तो रास्ते में उनके गांव वालों ने बताया आग ऐसी लगी सब सुहा हो गया, कुछ नहीं बचा। राजा ने ढाढ़स दिया, फिर दोबारा बसवाया और उसी का इकलौता पुत्र राजकुमार उसके द्वारा मारा गया, और अपराध की क्षमा पहले ही मांग ली थी। देखो ये लोक व्यवहार की भी हमारी विपरीतता है, गलती होती है क्षमा मांगते हैं, क्षमा नहीं दंड मांगना चाहिए, क्षमा नहीं दंड। ये सामान्य सज्जनता होती है, कहीं कोई गलती हो गई अधिकारी ने उसको बुलाया, क्यों भाई सर गलती तो हो गई, अब जो आप जो दंड आप, तब वो सोचता है ये सज्जन आदमी है दंड मांग रहा है, हमारी क्या गलती, सब करते हैं और ये तो ऐसा चलता ही, और आप बताओ क्या करें आप, ये बातें नहीं की, सर गलती तो हो गई अब जो दंड आप। तब उसने देखा सज्जन व्यक्ति है तो विनयवान व्यक्ति दंड देने का योग्य नहीं रहता, तब उसने कहा ठीक है हल्का सा दंड उसको बताया, ठीक है 100 रुपए की रसीद कटवा लो जा, आगे ध्यान रखना। तो अब राजा तो क्षमा कर चुका था एक अपराध की, कुछ कह नहीं सकता था, वचनबद्ध था। अब सारे लोगों ने सोचा क्या करें, फिर षड्यंत्रकारियों की व्यवस्था चली, और क्या व्यवस्था चली,
उससे ये कहो कि दिगंबर मुनि का स्वांग बना करके इस शोक को दूर करे, फिर हम देखते हैं माने उनकी चाल क्या थी। फिर अगर स्वांग छोड़ेगा तो दंड देंगे और नहीं छोड़ेगा तो निकल जाएगा राज से। ईसाइयों का ये सोच था ना, लेकिन उसको मौका मिल गया। उन्होंने कहा बहुत सुंदर, लंबी कथा तो हम नहीं सुनाएंगे, लेकिन लंबी कथा भी सुनानी पड़ेगी। क्यों? आचार्य भगवान ने, हमारे गुरुओं ने अरहंत का स्वरूप ही नहीं बताया, अरहंत होने की विधि भी बताई। वैद्य निरोग होने, निरोगता का स्वरूप, स्वास्थ्य का स्वरूप ही नहीं बताता, स्वस्थ रहने की विधि भी बताता। रोग का लक्षण और रोग का निदान ही नहीं करता, रोग की चिकित्सा भी बताता। ऐसे मोह का स्वरूप, ये मोह दुख का कारण है, चार गति में भरमाता है, बहुत बेकार है, ऐसी से कर्म बनते हैं, सर्व कर्मों में मोह कर्म प्रधान है, इतना नहीं कहा, मोह दूर करने का उपाय भी बताया। ठीक है महाराज, स्वीकार करके चले आए। अब निर्गंथ स्वांग तो बनना नहीं, ये स्वांग तो होता नहीं, अब उस निर्गंध दशा के लिए क्या चाहिए? मोह इन सब से छोड़ा जाए, कुटुंब परिवार से, और अंतरंग अभ्यास किया जाए, वैराग्य बढ़ाया जाए। समझ में आया ना? बस या करके एकांत में महाराज एक महीने का समय चाहिए। एक महीने क्या किया? परिवार से सबसे अलग या करके भगवंतों का ध्यान करें, चिंतन करें, रात भर ऐसे बैठें, अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए निंदा गर्हा करें, माने उस मुनिचर्या का अभ्यास। मुनिचर्या का अभ्यास एक शब्द में बोल सकते हो? समता का अभ्यास हर परिस्थिति में। चटाई पर सोने का या जमीन पर सोने का अभ्यास तो हो जाएगा, उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन समता का अभ्यास, कभी चटाई मिल जाएगी, कभी तख्त मिल जाएगा, कभी पाटा मिल जाएगा, कभी सिरा की चट्टान मिल जाएगी, कभी अच्छी बगीचा मिल जाएगा, कभी स्मशान में रुकना पड़ेगा, कभी चार चार लोग हे स्वामी तस्ट तस्ट बड़े घर में आहार होंगे, कभी कहीं विधि भी नहीं मिलेगी, कभी कहीं कुछ सामान्य ज्वार की रोटी रखी होगी, ये सब होगा। मुनि धर्म का अभ्यास माने समता का अभ्यास। धर्म माने हर परिस्थिति में, हर परिणति में समता। समता भाव का नाम धर्म है, और जिस समता भाव का नाम धर्म है, वह समता मोह और क्षोभ से रहित है, मोह के पहले ही। जिसको ये मानता है मैं ये हूं, उसे जीवन में समता नहीं आ सकती। क्यों? जब ये मैं हूं तो इसका जन्मदाता ये मेरा जनक है, ये जननी है, ये जन्मभूमि है, आज हमारी जन्म तिथि है, ये हमारा स्कूल है, हम पढ़े थे, ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा ये बहुत लड़का खराब है, इसने हमें धक्का देकर के ऐसे किया, हमारी आंख बच गई थी उस समय, बोलो बहुत इलाज हुआ, फिर ये बहुत खराब लड़का है, ये बोझ जाने उसने हमें जगह नहीं दी थी, इसकी वजह से हमारा ऐसा हो गया। ये जहां ये बात समझ ये भीतर घुसी, एक घड़ा उल्टा रखा, ये हम हैं, बस उल्टे ही उल्टे चलेंगे, उल्टे ही उल्टे चलेंगे, पीठ करी और फिर भटकना ही है, घर की ओर से पीठ करी, भटकना भटकना शुरू। अरे जब घर से पीठ करने वाला संसार में लौकिक में भटकता है, तो अपने घर से पीठ करने वाला जी संसार में भटकता है, क्या आश्चर्य की बात है, सही बात है, है? हमारे यहाँ तो माताएं छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाती मंदिर में, ए पीट करके खड़े मत हो, भगवान को पीठ मत करो, या उन भगवान को पीठ करना भी पाप है, तो त्रैकालिक भगवान को पीठ करना, ये अध्यात्म की बात है, उन भगवान को पीठ करना पाप है, ये व्यवहार की बात है, और ए भगवान को पीठ करना, विमुख रहना, महापाप है। अभ्यास किया, मुनि धर्म के लिए अंगीकार की प्रतिज्ञा करी, कोई गुरु उस समय वहां थे नहीं, जिन प्रतिमा के सामने विधि लेकर के वह चल दिए,
आहारचर्या के लिए नहीं, संबोधन के लिए। और राजसभा में पहुंचे, उनका पवित्र रूप देख करके सारे लोग खड़े हो गए, काष्ठासन दिया गया, विराजमान हो गए, संबोधन करने लगे। राजन, इस संसार में आत्मा ही अपना है, आत्मा के अतिरिक्त कोई अपना नहीं है। सपना है, मोह है, दुख का कारण है, और जिसका जो परिणमन है वो होता है। राजकुमार का और आपका इतना ही संयोग था, इतना ही योग था, इसी प्रकार से उसकी है देह की वियोग का क्रम निश्चित था। हे राजन, शोक को छोड़ो, अपना कल्याण करो। साथ में एक बहुत सुंदर संवाद में लिखा है, इस राजकुमार के मरण में जो हमारा क्रोध का परिणाम प्रमत योग विरक्त हुआ, जिस मोह के प्रेरे हम, ये समझो, जिन कर्मों के प्रेरे, जिस मोह के प्रेरे हम इस हिंसा के कार्य में प्रवृत्त हुए, अब हमारी प्रतिज्ञा है प्रायश्चित करें, अब हम इस मोह का नाश करके रहेंगे। इस मोह का प्रायश्चित क्या है? हमारे यहां एक पद्धति है शरणान युग में, ये दोष हमारा मिथ्या हो गया। मिथ्या हो गए माने नहीं हो गए, गलत। जैसे कोई कहे ये वहां खड़े खड़े चाय पी रहे थे, हमने कहा दिखा दो, चलो हम चलते और दिखा देंगे। अब वो पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, दो दिन हो गए, चार दिन हो गए, कभी कोई झूठ बोलते, कहां वो पी, दिखा दो तुम हमें कहां पी रहा। मिथ्या करना माने त्याग करना, अब दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसी का नाम मिथ्या हो। तो जिस मोह के प्रेरे हम इस इंसान कार्य में प्रवृत्त हुए, राजकुमार का वियोग हुआ है, अब हम भी उस मोह का नाश करने के लिए बद्ध कक्षा कमर कस के तैयार हुए। राजा का शोक दूर हुआ, प्रसन्न हुआ, बोले क्या मांगते हो? कि अयाचिक धर्म अंगीकार किया, अब मांगने की बात खत्म हो गई। अयाचिक धर्म है, अब कोई मांग नहीं है, अब कोई चाह नहीं है, अब तो संतुष्टि है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाली बातें खत्म हो गई, सदा तुष्टा न कदा रुष्टा। सबने मनाया, लेकिन किसी के कहने से, किसी के कारण से कोई वैराग्य नहीं लिया था। मनाने और रूठने का मार्ग नहीं है, मनने का रूठ जाने का मार्ग नहीं है, न मनाने का न रुठाने का मार्ग है, ये तो मार्ग ही अलग है। मोह का प्रायश्चित क्या है, समझ गए? मोह का भाव, ये प्रतिज्ञा करने लायक तो ये बातें हैं कि हम अब आत्मा के अतिरिक्त देह परमाणु मात्र को अपना नहीं माने। वो संस्कार से लगेगा जी अपना है, उसी समय भेद ज्ञान करेंगे, उसी सामान्य सा व्यवहार रखेंगे, अपना तुझा वाला व्यवहार नहीं करेंगे। हम स्वयं होते हुए किसी कार्य का कर्तृत्व अपने ऊपर नहीं ओढ़ेंगे, कर्तृत्व का अहंकार नहीं करेंगे। ये मोह के प्रायश्चित है। कोई पदार्थ में इष्ट अंश की अच्छे बुरे की कल्पनाएं तो होंगी, होंगी हो, जैसे शरीर में रोग तो होते हैं लेकिन इलाज करते हैं ना। कैसी विचित्र बात है, मोह की दशा है। रोग होता है तो इलाज करते हैं, और राग होता है तो कुछ है नहीं, क्या करें, वो तो अधिक भाव। राग भी अधिक भाव तो रोग भी तो अधिक भाव, रोग का इलाज क्यों करते हैं? अच्छे बुरे की कल्पनाओं को हम मिथ्या समझेंगे,
इंस्टेंट की मोह को ना प्राशित कर। बंधु वर्ग से विदा मांगने की चर्चा चली थी रविचंद सार जी के प्रसंग में। विदा मांगने का मतलब क्या है? टीका के अनुसार बोल लेना, स्वानुभव के अनुसार बोलना तो बढ़िया बात है, लेकिन टीका ही के अनुसार बोलो। हे शरीर के माता पिता के शरीर में विराजमान आत्मा, तुम इस आत्मा के जनक नहीं हो, तुम हमारे नहीं हो, हम तुम्हारे नहीं है। ये विदा मांगने का मतलब ये है। जैसे लड़की की विदा करी, तो विदा करने का मतलब अब बेटी पराई हुई, तो बंधुवर्ग से विदा मांगना का मतलब क्या है? बेटी की विदा करी ना, तो बेटी की विदा करने का मतलब है आज से बेटी पराई हो गई है। माता कह रही है बेटा ध्यान रखना, अब जो तुम्हारी सासू है वही तुम्हारी माता है, हमारा अधिकार हमारा सब खत्म हो गया मामला। पिताजी ने कहा बेटा अब भी तुम्हारी जो ससुर है वही तुम्हारे पिता हैं। जब लोक व्यवहार में ऐसा विदा होती, ऐसी विदाई होती है, तो यहाँ कैसी विदाई होगी? समझ में आ गया? ये बंधु वर्ग हमारा नहीं है, हमारा बंधु वर्ग तो साधर्मियों का यूथ स्व, हमारा स्वयूथ है। स्वयूथान प्रतिशत भाव सनाथा पीत कैत वा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्य अवलोकित। उस वात्सल्य का आधार क्या है? अरे फिर बदल गए, पकड़ते क्यों नहीं हो? उसका आधार क्या है? स्वपना, ये हमारा परिवार है ना, ये नहीं है ना हमारा परिवार। भैया आपका निमंत्रण है, हमने क्या अकेले का? अरे तो और कौन है बता, उनको भी लुवा लेना, हमने बड़ा परिवार है हमारा। वो लोग क्या कह रहे? ये कोई हंसी में टालने की बातें नहीं है, हमारी लौकिक मंद कसाय की बातों में विचार करो। हैं गांधी से जब कहा हैं धोती उड़े थे जा रहे, एक स्त्री नहा रही, वो धोती आधी उड़े आधी उसने बिचारी आधी पहन ली, देखा अरे हमारे देश की ऐसी दशा है। वो हम जे इतने ऐसे छठ बांटते रहे नहीं, उसी दिन सोच लिया ये धोती में ही लपटे रहेंगे। एक बच्चे ने कहा बापू कुर्ता बनवा रहा है आपके लिए, हमारी माँ कुर्ता सीती है। बोले बेटा एक से क्या होगा? उसने कहा दो बनवा रहा है, दो बनवाने से क्या होगा, 30 करोड़ हमारी जनता है। स्वयं उत्थान, जैसे मोही जीव को इस एक बच्चे के संस्कारों की चिंता है, ऐसे साधर्मी को धर्मात्मा जीव को सारे हमारे धर्म की प्रभावना कहते हो। जैसे व्यापार की व्यापारी को व्यापार की उन्नति की चिंता है, ऐसे ये धर्मोन्नति की। अब अंतर यह है वहां चिंता है या चिंतन है? क्या 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 पूरा वाक्य बोलो, मजाक नहीं कर रहे हम, बैठे सांस से नहीं बांच रहे, बोलो जल्दी क्या बोलते हो? कुछ नहीं। जैसे व्यापारी को व्यापार की चिंता नहीं, अकेली चिंतन है, वहां से माल लाना है, वहां से पैसा आना है, एक पैसा जी कम है तो एक काम करो वहां चले जाओ उनसे 1 लाख रुपया और ले आओ, उनसे कह देना 1 महीने में दे देंगे। एक काम करो ये सोना ले जाओ उसे धरिया, उसका उपाय चिंतन कर रहे कि नहीं कर रहे? वहां तो बंद रहेगा मार्केट कल, अरे तो एक काम करो वहां चले जाओ तुम, वहां से मिल जाएगा। चिंता ही थोड़े ही आखिर क्या करें क्या करें, ऐसी चिंता थोड़ी ही बैठा है माथे बहादुर की। वो व्यापारी चिंता करने नहीं बैठा, अरे नुकसान भी हो गया तो चिंता करने नहीं बैठा है, चलो करते फिर देखते हैं, चिंतन भी है उसका। ऐसे हमारी धर्म प्रभावना की चिंता ही नहीं है, चिंतन है। आराधना का चिंता नहीं है, चिंतन है। जो अकेली चिंता में पड़ा रहता है वह अज्ञानी है, मूढ़ है। चिंतन करो, समान उपाय सोचो, तम उपायम विचिंतित। मोह के नाश की चिंता, जो मोह कैसे मिटेगा? अगर मोह नहीं छूटा पर्याय छूट गई फिर क्या होगा?
अरे क्यों नहीं छूटेगा, क्या स्वभाव है मोह? पर्याय दृष्टि वाले जीव का मोह अनंत काल में नहीं छूटना, और स्वभाव दृष्टि वाले के मोह उत्पन्न ही नहीं होना। मोह का मतलब ये थोड़ा ही हो वहां से उठ करके यहां बैठ गए, यहां से उठ करके वहां बैठ गए, जे काम छोड़ करके जे काम करने लगे, जे छोड़ करके जे खाने लगे, हैं जे पहनने लगे, ये भेष बदला क्रिया बदली, इसका नाम मोह छूटना नहीं है। मोह छूटने का मतलब है ये परमाणु मात्र मेरा नहीं है। ये तीव्र मोह का कार्य है जो सब खो छोड़ करके फिर योगेंद्री वाचार्य ने क्या लिखा था परमात्म प्रकाश में, कल बताया था। अब स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार उसको तो छोड़ा, घर छोड़ा, महल छोड़ा, और शिष्याधिक में ये मेरा पन ये करने लगा, कर्णों में विमोल हो गया। अरे रे प्रभु, आकाश में से गिरा और वो खजूर पर अटक गया, सागर तो पार कराया और गाय के खुर से गड्ढा हो जाता उसमें डूब गया। कैसे डूब गया, क्या हुआ, समझाने की बातें हैं। मैंने कहा इतने से पूरा निकल गया और पूंछ के बाल रह गए उसके। और सचमुच वो क्या नाम सुरभी गाय होती है ना, सुरभी गाय, और वो पूंछ के बाल अटक गए, पूरी गाय निकल गई। अब वो ऐसी खड़ी रह गई, चाहे उसे बालों से बहुत मोह, बाल उसके बहुत कोमल होते हैं, सो बालों से मोह, अब वो बाल टूट जाएंगे, चाचे टूट जाएंगे, भग जा जल्दी। लेकिन नहीं, वो बालों के मोह में मां खड़ी रही और बनचर के द्वारा प्राण रहित कर दी गई, सबरे बाल चले गए। मोह ही कराता है। चिंतन आना चाहिए, चिंता नहीं, नकेली चिंतन। तो बात्सल्य का आधार क्या हो गया, मोही को बात्सल्य कभी नहीं हो सकता, बात्सल्य का प्रदर्शन हो सकता है, मोही को कभी बात्सल्य नहीं हो। बात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है। पहले सम्यक दर्शन होगा, देव गुरु धर्म जी लगेंगे, जे हमारे हैं, जे अपने हैं, ये धर्म धर्मात्मा धर्मायतन ये अपने हैं, तब तुम्हें बात्सल्य बनेगा। आधार तो ये है ना, मूल। अब जब मूल है ही नहीं है, बच्चों जैसी बात है, बच्ची छोटी तो बोला देखो हमने एक पेड़ लगा दो, क्या करो, उसने इतना सा गड्ढा किया और ऐसे में वो भर दिया, पानी डाल दिया और एक घास का ऐसा तिनका ऐसे खड़ा कर दिया, देखो हमने पेड़ लगा दिया। अरे रे पेड़, ऐसे पेड़ लगते हैं? ऐसे ही तुमने क्या सोच लिया, देखो हमने धर्म कर लिया। ये बाल तप हैं, बाल व्रत हैं, ये अज्ञानमय भाव है भैया, दृष्टि बदलो। ये मोह अनर्थ कराता है, तो मोह के त्याग के बाद धर्म शुरू होगा। व्यवहार धर्म कथाएं की मंदता रूप है और परमार्थ धर्म कथाएं के अभाव रूप है। तो ये बताओ, कसाय की मनता भी देवगुरु से धर्म के चरणों में आए, यहां मनता होगी तब व्यवहार आएगा आपका। चला चला गया, विदाई कैसी हुई समझ में आया? अब हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं। अब वो तो मोहियों के काम है, है तो फिर वही बेटी का विवाह हो गया, निश्चिंत हो गए। हमने निश्चिंत हो गए, आपका वो बुलाने तो है ही नहीं, आपका संबंध नहीं रहा। अरे निश्चिंत तो उस दिन रहेंगे होंगे जिस दिन वैराग होगा। राग में निश्चिंतता नहीं होती, तत्व ज्ञान पूर्वक जब वैराग होता है तब निश्चिंत होते। राग में निश्चिंतता, एक काम हो गया निश्चिंत हो गए, दूसरे काम की धुन लग गई, और वो भी कोई कौन पूरा हो गया काम। तो मोह का प्राश्चित क्या है? मोह का प्राश्चित है मोह का भाव। लेकिन मुंडराज क्या लिख रहे हैं? मुंडराज समझ गए होगे, मुंडराज माने पद्म प्रभु मलधारी देव, टीकाकार
प्रायश्चित्तम भवति सततम वा, प्रायश्चित्तम भवति सततम स्वात्म चिंता मुनीनाम। प्रायश्चित्तम भवति सततम स्वात्म चिंता मुनीना, मुख्य रूप से मुन राजाओं को होता है। इसका मतलब श्रावकों को नहीं होता है ऐसा मत समझ लेना, श्रावकों को गौण है वो। श्रावकों की निर्मोह दशा ये समझो बालक का गर्भ में आ जाने जैसी है, पतो नहीं पड़ रहा ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा कैसे होता है। जब वो गर्भ से बाहर आता है, हैं? सारे लोग अपना जन्म कब बताते, जन्म तुम्हारी जन्म तिथि कौन सी है, बाहर आने की मानते हैं, गर्भ में आने की जन्म तिथि, बस तिथि तो तय वही है। जब कहीं से आकर के मर करके देह छोड़ करके यहाँ आकर के जन्म लेता है वही तो गति बदलती है, वही तो तुम्हारी जन्म तिथि है, जन्म हुआ है। लेकिन उसको लोक व्यवहार में जन्म कहाँ कहते हैं, उसको गर्व कहते हैं। भगवान का भी गर्व कल्याणक कहते हैं, जन्म कल्याणक तो नहीं कहा उसको, लेकिन गर्भ में आया है तो जन्मेगा। अब गर्भ में ही नहीं आया तो जन्म कहाँ से होगा, तो गर्भ में आना भी एक जन्म ही है, सही पूछो तो सूक्ष्मता से देखें तो ऐसे ही मुनराज को मुख्य रूप से मोह का भाव होता है। इसका मतलब ग्रस्त को नहीं होता है, ऐसा नहीं, गौण ऐसा होता है कि बाहर से उसकी निर्मोहता दिखाई नहीं देती। ये कैसा निर्मोही है, शंकाएं होती हैं मोहियों को, ये चक्रवर्ती कैसे बैरागी घर में बैरागी, ये ऐसे ठाट बाट से रह रहे, ऐसे खाए पी रहे, ऐसे सब काम कर रहे, ये कैसे बैरागी। मैं निर्मोह राजा का राजकुमार हूं, ये कैसे राजा और निर्मोही। लेकिन समंत भद्र स्वामी ने स्पष्ट लिखा कि नहीं, ग्रस्त हो मोक्ष मार्गस्थ हो क्या निर्मोह हो, निर्मोही ग्रस्त भी मोक्ष मार्ग ही होता है। मतलब क्या है, वो अपना नहीं मानने वाला, देह को अपना नहीं मानने वाला, परमाणु मात्र को अपना नहीं मानने वाला, उन संयोगों के बीच में रहते हुए भी निर्मोही है, मोक्ष मार्ग ही है। और अपना मानने वाला बहुत दूर है, वो संयोग दूर है और बहुत दूर है, तो भी वो मोही है, मोक्ष मार्गी नहीं है, सुखी नहीं है। तो मुनिराजों का वैराग्य कुछ अलग ही है, मुनिराजों की निर्मोहता कोई अलग प्रकार की है। दर्शन मोह का भी अभाव है और चारित्र मोह का भी मुख्यता का बड़ा अभाव हो गया, बड़ा हिस्सा चला गया। नंतानुवंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तीन कथाएं चौकड़ी चली गई, अब उनकी कथाएं रागांश रह गए तो कैसे रह गए, पानी की लकीर आ जाओ और पानी में लकीर करके बताओ, यहां आ जाओ एक बर्तन में पानी ले आओ और लकीर करके बताओ। उधर करेंगे इधर मिटती चली, माने कस पानी में लकीर जैसे होती ही नहीं है, ये समझो कि कल्प कितनी क्षणिक है, कितनी कल्पना मात्र है, ऐसे इन मुनराजों की कथाएं हैं। इसीलिए इनको शास्त्रीय भाषा में कथायांध कहा, कथा नहीं। बुखार होता है तो ऊपर से दिखाई देता है और जब अंत रह जाते हैं ऊपर ऊपर से कुछ मालूम ही नहीं पड़ते बुखार आ रहे, फिर तो उस बुखार के भी लक्षण रहते हैं, यानी कहो हाथ पांव टूटते रहते हैं, थक जाते हैं, भूख नहीं लगत, प्यास बहुत लगती है, गला सूखता है। अरे तुम्हें बुखार बस हो, नहीं बुखार नहीं है हमें भैया, वो अंत है, अंत है। कितनी मुनराज का वैराग्य, मुनराज की निर्मोहता सामने दिख रही है। हे गुरु वर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है,
जग की न स्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। माने बिना वस्त्रों के भी रहा जा सकता है, रहा जा सकता मजबूरी नहीं है, सुखी हुआ जा सकता है। बिना घर के भी सुखी हुआ जा सकता है, बिना पैसा के भी सुखी हुआ जा सकता है, बिना भोगों के भी सुखी हुआ जा सकता है। देख लो, देखो ये नमूना। आत्मा को जानन करके परमात्म प्रकाश के सभी के स्वाध्याय हमारे माया मात्र जान करके ही नहीं, निश्चय करके, और मात्र निश्चय करके नहीं अनुभव करके, और मात्र अनुभव करके जान करके प्रतीति करके ही नहीं, उसमें एकाग्र स्थिर होकर के, ऐसे तीनों शब्द लिखे। दर्शन ज्ञान चार की एकता मोक्ष का मार्ग उस प्रसंग में दिया टीका में। माने मात्र सुन करके नहीं, मात्र पढ़ करके नहीं, मात्र बाहर से जान करके नहीं, इंद्रियों से निश्चय करके, स्वानुभव करके, स्थिर होकर के, ध्यान करके, एकाग्र होकर के, वह जीव मोक्ष मार्गी होता है। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग। तो वो मुनिराजों की बातें मुख्य रूप से तो वही है। इसीलिए ज्ञानी ग्रस्त ऐसी भावना भाते थे और बिल्कुल निश्चिंतता समझते थे। निश्चित है ये बात, क्या बाले न समता सुख कभी नर बिना मुनि मुद्रा धरे, धन नग्न पर तन नग्न ठाड़े, सुर असुर पायन पड़े। तुम सोचे समता, अरे यही समता आ जाएगी तो फिर वहां का हो, तीर्थंकर काय को वहां जाते, निर्गंथ मार्ग को अंगीकार करते, तपस्या आदि को विथा क्रेश ठहराता है। निश्चयवासी में प्रसंग आया, भैया तपस्या आदि अगर व्यर्थ होता, क्लेश रूप होता, तो तीर्थंकर भी तपस्या आदि को क्यों अंगीकार करते। बिना भेद विज्ञान के बाह्य तपश्चरण मात्र थे, कार्य सिद्धि नहीं होती, सुख नहीं होता, एक बात सही। बिना भेद विज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के, मात्र बाह्य तपश्चरण के द्वारा सुखी नहीं होता। इसलिए तो निरंतर ज्ञानाभ्यास कर, ज्ञान पूर्वक तप करने का निषेध तो नहीं है, ज्ञान पूर्वक तपश्चरण का निषेध तो नहीं है। अगर ज्ञान पूर्वक भी तप का निषेध होता तो ये चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि तपश्चरण को क्यों अंगीकार करते। तो क्या लिखा, प्राश्चित प्रायश्चित्तम भवती। हाँ, प्राश्चित होता है और सो भी है, क्या करें, करना नहीं पड़ता, होता है। और सो भी एक कैसा बढ़िया विशेषण, सततम भवती, मतलब पाप उत्पन्न नहीं, नहीं उनके जीवन में कोई पाप के लिए गुंजाइश ही नहीं है। इस मार्ग में कुछ पाप तो होते ही नहीं है। देखो क्या लिखा है, समझ में आया, नियम सार जी है ये। इस मार्ग में कुछ पाप तो होते ही नहीं है, प्रायश्चित्तम भवति नियतम भवति सततम स्वात्म चिंता मुनीना। अपने स्वरूप के चिंतन में मग्न ज्ञानी जीवों को जब स्वरूप में मग्न है तो वितरागता, और स्वरूप में से च्युत हुए तो स्वात्म चिंतन, स्वात्म चिंतन में प्रशस्त राग, पुण्य पाप परिणाम, पाप का क्या परिणाम, पाप का परिणाम तो तब हो जब नीचे आएगी, नीचे आएगी अन्य चिंता हो, अन्य चिंता हो। अन्य चिंता का मतलब विषय भोगों की चिंता हो। अधमा काम चिंता से आत, मोह चिंता धमा धमा, है
पर चिंता धमा धमा उत्तमा स्वात्म चिंता स्या मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्या। ये हो गया पाप का काम यहां से शुरू, पर चिंता धमा धमा, दूसरे का अहित चिंतन करना, ईर्ष्या आदि के वशीभूत होकर वो तो पाप, नीचा दिखाने का भाव पाप, दूसरे का छीनने का भाव, दूसरे को पीड़ित करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करने का भाव, ये सब तीव्र पाप के परिणाम है। मतलब यहां तो दिखाई देने वाली बात है। तो मुंडा कैसे मुंडा है, स्वात्म चिंता मुनि नाम। देखो उतरते आओ गहरे, प्रायश्चित्तम भवती। अरे भैया मुश्किल है, हम तो नियम ले ले फिर तोड़ ले, कहा करें वो मुश्किल हाल टूट जा, सोच ले रहे आप नहीं करेंगे और फिर मुझे कहा हो याद फिर करने लगा। ये नहीं, पर्याय बिना द्रव्य नहीं रह सकता, संगी जीव चिंतन के बिना नहीं रहेगा, तत्व चिंतन नहीं करेगा विपरीत चिंतन आएगा, तत्व चिंतन नहीं करेगा तो विपरीत चिंतन होगा होगा, रोक नहीं पाओगे। विपरीत चिंतन को रोकने के लिए तत्व चिंतन होना चाहिए बुद्धि पूर्वक प्रयत्न पूर्वक। प्रायश्चित्तम भवति सततम स्वात्म चिंता मुनीना। क्या सुंदर, जितने भीतर उतर जाओ उतना स्वाद जा। क्या कहा, जैसे जितना संयम उतना आशीर्वाद, ऐसे जितने भीतर उतर जाओ उतना स्वाद जा। ये तो एक लाइन नहीं पढ़ पाई अब। अरे एक लाइन नहीं पढ़ी, सब तो पढ़ गया द्वादशन। वह समस्त ज्ञान आत्मामय है, आत्मा के साथ अभिन्न है कि पर के साथ, तो फिर हो गया काम। प्रायश्चित्तम भवत सत्तम स्वात्म चिंता मुनीनाम मुक्तिम। क्या कहा, मुक्तिम प्रायश्चित होता है, ऐसा नहीं कर नहीं करने चाह नहीं, मतलब सोचे तो भी प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित का अर्थ क्या किया था टीका में पहले, प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त। मुक्तिम यान्ति स्वच्छ रतयस तेन निर्धूत पापा, निर्धूत कलिलात्मन आया न। मुक्तिम यान्ति स्वसुख रतय, अपने सुख में रत, रत रत तो समझते हो, रति या रति, रति माने उसके बिना चैन ही नहीं पड़ रहा, ऐसा मग्न हो गया वहां से छूटता नहीं है। मुक्तिम यान्ति स्वसुख रतय तेन निर्धूत पापा, उस स्वात्म चिंतन के द्वारा पापों का अपने आप अभाव हो गया। अन्य चिंता यद च यमिनाम, देखना शब्द, ते विमूढ़ा स्मरार्था, स्मरार्था काम अग्नि में जल रहे, स्मरार्था भोगों की वांछा में, भोगों की में आसक्ति में, भोगों की याद कर करके रो रहे। क्या कहा, अन्य चिंता यद च यमिना ते विमूढ़ा स्मरार्था पापा पापम विदधति मुह किम पुनश्चित्र में। मुनराजों का स्वात्म चिंतन अथवा स्वात्म चिंतन करते हुए जो मुनराज हैं वे निरंतर स्वयं प्रायश्चित हैं, उनकी परिणति निर्विकारी रूप से स्वयं होती है, उनकी प्रवृत्ति में विकार उत्पन्न ही नहीं होते। देवांगना हर सके मन को न तेरे,
आश्चर्यनाथ इसमें कुछ भी नहीं है। चित्तम किमत्र यत्ते तत्संग नाभेर नीतम मनागम मनो नविकार मार्गम, विकार के मार्ग की ओर मने उनकी स्थिति की कल्पना ही नहीं हुई। अगर सुख की कल्पना होती तो वहां विकार होते, सुख की कल्पना नहीं हुई विकार कहां से हुआ। महाराज कोई दृष्टांत है क्या? हाँ, कल्पांत काल मरता चलता चलेन कि मंद रात शिखरम, बड़े बड़े पर्वत जड़ से उखड़ जाए, तुम्हारे जड़ से उखड़ जाता हूं और बे ऐसे ठाड़े जड़ से उखड़ जाए लौकिक जी। जड़ से उखड़ने का मतलब समझते हो? श्रद्धा ही विपरीत हो गई। जड़ से उखड़ जाने का मतलब है श्रद्धा ही। मजा है, देखो क्या आनंद है। वो राजा और मुंडराज का दृष्टांत आया ना, संयोग की बात। राजा मुंडराज के पास बहुत जाता था, रोज का सत्संग था उसका, कभी मुंडराज के उपदेश को छोड़ता नहीं था। और संयोग की बात, एक ही दिन एक ही समय में उधर राजा का दिया अवसान हुआ, इधर मुंडराज का दिया। लोगों ने कहा देखो कमाल है, आश्चर्य है, वाह। किसी को कौतूहल हुआ इनकी गति कौन सी, वहीं के बताओ कि राजा स्वर्ग गया मुंडराज नरक गए। कि भगवान का महाराज भूल गए? क्या भूल नहीं गए? राजा की दृष्टि मुंडराज पर थी। जीवन तो इसको कहते हैं, क्या जीवन है, स्वाधीन निर्विकारी निष्पाप पवित्र आनंदमय। और राजा को सोचने, वो मुंडराज सोचने लगे उसे देख करके, अरे कहाँ उलझ गए, का कुछ नहीं, देखो क्या ठाटवाट लगी, अब बताओ क्या हुआ। तुम ऊपर से बोलते हो उसका कुछ नहीं फल लगेगा, ध्यान रखना, ऊपर ऊपर से अच्छी 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 कह दे, भीतर में जो चिंतन चल रहा होगा वैसा वेदन होगा परिणाम के अनुसार। इसलिए परिणामों की संभाल करना। स्वात्म चिंतन करते हुए मुंडराजों के विकार उत्पन्न ही नहीं होते। और ये सोचते क्या करें, मर गए भैया, अब कभी नहीं करेंगे, अब कान पकड़ते हैं, कान पकड़वे से काम नहीं पकड़ेंगे, ज्ञान पकड़ो, कान पकड़ते हो, कान तुम्हारे हैं से पकड़ रहे हैं, जिन हाथों से कान पकड़े वे हाथ भी तुम्हारे नहीं है और जे कान भी तुम्हारे नहीं, दोनों पकड़ ले बात का पकड़ेंगे रहो कहा से कहा होने। ज्ञान पकड़ना भाई, ज्ञान स्वभावी आत्मा को पकड़ना। विमूढ़ा जो स्वात्म चिंतन को छोड़ करके दूसरी चिंताओं में लगते हैं, अन्य चिंता में अन्य की चिंता भी है और अन्य चिंता में काम भोग विषयों की चिंता भी। निश्चिंत जीवन, कल क्या होगा, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ आहार होगा, आज से जरूरत ही नहीं है, चले चले चलते। आज भी हम अपने स्वरूप में बसते हैं, कल भी स्वरूप में ही बसेंगे। आज भी अपने ज्ञान का आहार करते हैं, कल भी ज्ञान का आहार करेंगे। ये विधि तो सब कर्म की मिलाई मिलेगी, इसमें कोई दम नहीं। इतना निश्चिंत जीवन, इतना निश्चिंत जीवन कि हाँ यही मुख्य मार्ग है, जिसका मूल सम्यक है विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख ते, या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मत नमो राधे तुम्हें।